हाय एवरीवन, दिस इज स्वासी। चलिए देखते हैं कल मार्केट किस तरीके से मूव कर सकता है। अगर हम लोग कल फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी है, अगर हम लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे, अभी तक मार्केट सेम रेंज को फॉलो कर रहा है। इन द सेंस इसी चैनल के अंदर ऑलमोस्ट 3 से 4 महीने के अंदर इसी रेंज के अंदर मार्केट रह रहा है। मार्केट नीचे की लेवल से एक शार्प बाइंग हुआ और हम लोग एक्सपेक्ट किए थे अगर इसके ऊपर निकलता है 47,600 तभी प्लान करेंगे, लेकिन ओवरनाइट गैप अप के कारण यहाँ पे कुछ खास ट्रेड मिला नहीं हुआ और बहुत बड़ा गैप अप खुला तो एक सेल अप का प्रेशर आया। और एग्जैक्टली ये कहाँ तक आया अगर हम लोग देखेंगे, जहां पे ये गैप क्रिएट हुआ था एग्जैक्टली इसी स्पॉट पे आया जहां पे क्लोजिंग प्राइस था। उस स्पॉट पे आने के बाद फिर ये मोमेंटम कंटिन्यू किया। अगर गैप डाउन खुलता तो हम लोग सेलिंग के लिए प्लान करते या फिर एक दिन वेट करते, लेकिन हायर लेवल पे मार्केट गैप अप खुला, इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग आया। जनरली होता है जब भी बड़ा गैप अप गैप डाउन खुलता है एक प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है और उसके बाद फिर मार्केट अपना प्लान करता है। अभी करंट लेवल पे अगर देखेंगे, नो डाउट इट्स अ बाइंग सिनेरियो, तो अभी हम लोग सिंपल रखेंगे इसके नीचे मार्केट 47,600, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है। ये रेजिस्टेंस एरिया हुआ करता था और इस एरिया पे मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो ये सपोर्ट जब तक होल्ड कर रहा है तब तक हम लोग स्लो एंड स्टडी बाय करेंगे। लेकिन बाइंग मैंने बार बार आपको बताया, मार्केट अगर गैप अप खुलेगा स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ जाएगा, ये लेवल जब हिट करेगा फिर रेजिस्टेंस बनेगा। मार्केट ये टाइम फर्स्ट टाइम हिट किया, रेजिस्टेंस बना, तो कहीं ना कहीं ऊपर जब जाएगा थोड़ा सा यहाँ पे वोलेटिलिटी कंटिन्यू है। इसलिए मैंने बताया था कि स्ट्रैडल स्ट्रैंगल थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकते हैं क्योंकि प्रीमियम अच्छे डीके मिलेंगे। 48,000 के आसपास कहीं पे क्लोज दिया है मार्केट, 47,924 के आसपास क्लोज दिया है। अभी हम लोग का प्लानिंग ये होना चाहिए इसके नीचे 47,600 के नीचे कोई भी कैंडल आना नहीं चाहिए। इसके नीचे आया तो फिर एक सेलिंग का सिनेरियो मिलेगा, तो इसके ऊपर जब तक है हम लोग साइडवेज टू बाइंग के तरफ रहेगा। इसका मतलब आप स्प्रेड्स हो गया या फिर थोड़ा सा वेट करके एक्सपायरी के दिन के आसपास, अगर इमेजिन करो कल मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया और इसी लेवल के आसपास बना रहा 400 के आसपास, फिर हम लोग 100-200 पॉइंट का एक्सपायरी पे प्लान कर सकते हैं। कल फिर निफ्टी देखते हैं कैसे चार्ट पैटर्न बनाया हुआ है, क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर एक बड़ा सा एक स्विंग यहाँ पे बना है। इसके ऊपर मोमेंटम मिलेगा तो 48,000 क्रॉस करेगा, हम लोग 100 रुपये का SL प्लान करके फर्स्ट टारगेट यहाँ पे रहेगा 48,200 के आसपास। अगर उसके ऊपर क्लोज देता है 300-400 इसको प्लान कर सकते हैं कि नहीं, आने वाले टाइम में होल्ड करके रखे 500-600 टारगेट के लिए, लेकिन अच्छे लेवल पे है। और जितने लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं डेफिनेटली उन लोग को नीचे की लेवल पे ऑप्शन सेल कर रहे होंगे और हायर लेवल पे ऑलरेडी कॉल शॉर्ट हुआ क्योंकि मार्केट डायरेक्शनल नीचे की तरफ आया था, तो अभी थोड़ा सा मार्केट साइडवेज के लिए प्लान कर सकता है। चलिए थोड़ा सा फिन निफ्टी देख लेते हैं, फिन निफ्टी कहाँ पे ट्रेड कर रहा है। फिन निफ्टी अगर देखेंगे ट्रेंडिंग के लिए मार्केट या फिर एक ट्रेड हम लोग को मिलने के लिए बाइंग के लिए यहाँ पे हम लोग को इधर मार्केट 21,400 क्रॉस करना चाहिए या फिर मार्केट 250 या फिर 250 के नीचे आ जाए। अगर 250 के नीचे आता है दैट मीन 12 बजे के बाद तभी प्लान करेंगे। एंड कल अगर मतलब 11:30 या 12 o'clock के आसपास 21,400 अगर ब्रेक कर रहा है तभी प्लान करें, क्योंकि ये एरिया वॉलेटिलिटी के लिए हमको देना पड़ेगा। अगर 40-50 रुपये ऊपर नीचे खुलता है वी गोइंग टू वेट, क्या ये 250 ब्रेक कर रहा है 11-12 बजे आसपास या फिर 21,400 ब्रेक कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो हम लोग को 450 से 500 यहाँ पे टारगेट, और 250 अगर ब्रेक कर रहा है तो 150 या फिर 100 यहाँ पे हम लोग का टारगेट होना चाहिए। तो कल अगर ऑप्शन बाय करेंगे वेट करेंगे, ये जोन पे थोड़ा सा बने रहे, कुछ कैंडल बने रहे, क्योंकि अगर मार्केट देखेंगे थोड़ा साइडवेज बना है, एक दो कैंडल यहाँ पे बना है इधर ब्रेकआउट देगा या फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आके ब्रेकडाउन देगा, तो दोनों ही केस के अंदर एक ट्रेड मिल सकता है, तो कल इसको हम लोग वॉचआउट करेंगे। लेकिन कुछ बड़ा टारगेट के लिए प्लान मत करना, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें 21,500 यहाँ पे गैप है, एग्जैक्ट स्पॉट पे गैप है, तो ये लेवल पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अगर मॉर्निंग आवर मोमेंटम मिला इसी के आसपास, अगर प्रॉफिट बुकिंग मिल रहा है तो हम लोग इसको प्लान कर सकते हैं, और वहाँ पे अगर कुछ रेजिस्टेंस मिला एक साइडवेज मार्केट के लिए प्लान कर सकते हैं। तो चलिए थोड़ा सा निफ्टी देख लेते हैं। निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है कंपैरेटिवली बैंक निफ्टी। अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी जो स्विंग बनाया था उसी स्विंग के आसपास कहीं पे खुला, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आया, एग्जैक्टली गैप फिल नहीं हुआ और बीच से ही प्राइस एक्शन बना के ये स्विंग के ऊपर निकल गया, विच इज अ गुड साइन। और अगर हम लोग वैसे भी अगर बैंक निफ्टी देखेंगे, बैंक निफ्टी वैसे भी स्विंग के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, लास्ट स्विंग जहाँ से सेल ऑफ था उसके ऊपर, तो निफ्टी एक क्लोजिंग आवर में एक अच्छा स्ट्रॉन्ग कैंडल में क्लोज दिया है। तो जितने लोग सेलर रहेंगे उनके पास, जितने लोग बायर रहेंगे उनके नीचे की यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा, तो एज ए सेलर आप इसी स्टॉप लॉस को प्लान कर सकते हैं। अगर आपको सेल करना है ये स्टॉप लॉस के नीचे ही हम लोग प्लान करेंगे, अदरवाइज अगर ऊपर जा रहा है स्लो एंड स्टडी ऊपर की तरफ बढ़ेगा, एक रेजिस्टेंस पॉइंट मिल सकता है 22,480 या 500 के लेवल के आसपास, तो ये स्पॉट दिख रहा है कि नहीं एक प्रॉफिट हम लोग को मिल सकता है, यहाँ से लेकर 100-150 पॉइंट मिल सकता है। उसके बाद फिर थोड़ा सा पॉज ले, क्योंकि ऊपर की तरफ जब जाएगा मार्केट स्लो एंड स्टडी जाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी रहेगी ऊपर की तरफ जब जाएगा, यहाँ पे गैप क्रिएट करके गया है तो रेजिस्टेंस हिट होगा। तो सिंपल यही रखेंगे रूल वेट कि नहीं कहाँ पे मार्केट ओपन होता है। अगर इस जोन के आसपास कहीं पे ओपन हुआ तो मैं स्टिल आपको बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी प्रेफर करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी फिन निफ्टी प्रीवियस कैंडल ये जो जहाँ से ओपन हुआ था ओपनिंग के ऊपर गया नहीं है, अगर उसके ऊपर निकलता है तो एक मोमेंटम मिल सकता है, उसको प्लान कर सकते हैं। और ये आने वाले टाइप में जब एक्सपायरी के आसपास अगर कहीं अच्छे लेवल पर क्लोज होगा तभी हम लोग प्लान करेंगे। फिन निफ्टी कल अच्छा दिख रहा है, कोई यहाँ
यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, इन द सेंस मार्केट जैसे मैंने बोला ये स्विंग के नीचे आना नहीं चाहिए, और 21,400 एक हम लोग के लिए रेजिस्टेंस एरिया है, तो इसी एरिया के आसपास बने रहे मॉर्निंग आवर पे। सेकंड हाफ में अंदर अगर ब्रेकआउट दे रहा है या 250 ब्रेकडाउन दे रहा है तो एक अच्छा मोमेंटम इसके तरफ हम लोग को डायरेक्शनल 100 से 150 पॉइंट का या 70-80 पॉइंट का 100 पॉइंट का यहाँ पे एक मोमेंटम हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि इमीडिएटली हम लोग के पास एक सपोर्ट है सॉरी रेजिस्टेंस है 21,500 के आसपास। इसके आसपास मैं प्रॉफिट बुकिंग करने का प्लान करूंगा, कुछ डायरेक्शनल अभी प्लान नहीं कर सकते बड़ा डायरेक्शनल, क्योंकि दो चीज़ें यहाँ पे हम लोगों ने डेली चार्ट के अंदर देखा था, मार्केट यहाँ पे शार्पली फॉल हुआ था, पुल बैक एक्सपेक्टेड था, हाँ पुल बैक करने के बाद अगर ये ब्रेक करता दैट विल बी ए बिगेस्ट ट्रेंड, क्योंकि यहां से हम लोग को ट्रेंड लाइन ब्रेक होता, लेकिन मार्केट ने क्या किया यहां पे सपोर्ट लेके फिर 50% करेक्शन कर लिया है। इस लेवल पे ना आप सेल कर सकते हो ना यहां पे आप बाई करने का प्लान कर सकते हो, क्योंकि दोनों ही केस के अंदर स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा, हो सकता है 2-3 दिन मार्केट वोलाटाइल इस एरिया के आसपास रहे उसके बाद ट्रेंड डिसाइड करे तो एसएल हिट होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। इसके लिए मैंने बोला कि ना इंट्राडे के अंदर अगर कोई मोमेंटम मिलेगा ठीक है, नहीं मिला तो फिर गोइंग टू वेट, कुछ टाइम हम लोग को वेट करना पड़ेगा पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, क्या ये होल्ड करके 48,500 फिर से ब्रेक कर रहा है या फिर नीचे की लेवल पे 47,500 नीचे की तरफ आ रहे हैं। विल सी किस तरीके से मार्केट कल परफॉर्म करता है। अभी के लिए फिर इतना ही, थैंक यू।